लक्षणा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल्लाह रहमान। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक ताने बाने को अब फिर से बुनना शुरू कर दिया, यानी कि 2024 के चुनाव में जो उनको एक बात का डर सता रहा था कि छोटे छोटे दल जो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने का सोच रहे हैं, उनकी तरफ कहीं ना कहीं गठबंधन में अपनी हिस्सेदारी को तलाश रहे हैं, दरअसल उनको फिर से एक बार अपने खेमे में वापसी करवाई जाए और ऐसे में उनकी शुरुआत ओपी राजभर से हो सकती है। दरअसल ओपी राजभर को लेकर के लगातार चर्चा इसलिए भी की जाती है या फिर उनको लेकर के इस तरीके की अटकलें या इस तरीके की जो खबरें इसलिए भी उठाई जाती हैं क्योंकि ओपी राजभर इस तरीके से ही अपने पाले को बदलते हैं। कई बार उन्होंने भाजपा के साथ राजनीति की, कई बार अखिलेश यादव के साथ राजनीति की और अब ये कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर से अपने पाले को बदल सकते हैं। हालांकि ओपी राजभर कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है कि उनके आने से सरकार आपकी बन जाएगी अखिलेश यादव की या फिर अखिलेश यादव एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन इतना तय है कि कई सीटें ऐसी है जहां पर ओपी राजभर जो है आपको जिता तो नहीं पाएंगे लेकिन हरा जरूर सकते हैं। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि ओपी राजभर को अखिलेश यादव अपने साथ अपने खेमे में मिलाने के लिए तमाम तरीके से कोशिश कर रहे हैं और इस वजह से ही ये साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासी तौर पर स्थिति कहीं ना कहीं बदल सकती है और अखिलेश यादव ओपी राजभर को अपने खेमे में पूरी तरीके से वापसी जो है वो करवाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद की जो आप कह सकते हैं कि बात करें सीटों को लेकर के, उसमें भी क्या ओपी राजभर को एक बड़ी भूमिका दी जाएगी अखिलेश यादव के द्वारा, क्या यह संभव नजर आता है? इस पर मामला फंस सकता है दर्शकों। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो है वो साफ तौर पर कई रिपोर्ट को देखकर के, कई बातों को देख करके ये गठबंधन करने को फिर से एक बार जो है तैयार हो सकते हैं और खुद ओपी राजभर भी इस पर अंतिम मोहर लगा सकते हैं। हालांकि इंतजार अभी भी बाकी है कि आधिकारिक रूप से इस बात का ऐलान कब तक किया जाता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए लक्षणा न्यूज के साथ।